हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मम्मी दिस साइड। गाइस, तो आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यार, आज मैंने भी ले रखा है फास्ट और मॉर्निंग में बहुत सारा काम कर रखा है। फिर उसके बाद मैं दिन में गई थी किसी काम से और उसके बाद हम गए सभी मंदिर। भाई भी मंदिर गया था, मैं भी मंदिर गई थी और पापा भी मंदिर गए थे। तो पूजा करके आए आराम से और अब ना मेरे को भूख भूख नहीं लगती। बचपन में जब मैं फास्ट लेती थी ना, मेरे को दिन में भूख लगना स्टार्ट हो जाता था। और अभी ना शिवरात्रि को देख के मेरे को ना गाँव वाली याद आ रही है, जब हम बचपन में जाया करते थे मेले में। यहाँ पे तो कहीं कहाँ पर ही टाइम मिलता है, गाँव के वो दिन याद आते हैं बचपन वाले जब हम जाया करते थे। तो बस ही अब शाम हो चुकी है तो सोच रही हूँ पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो भूख लगी चुकी है और ऊपर से इसको भी लगी है। क्योंकि मेरा भाई जो देख रहा है ना, अभी पीछे से आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ईटिंग चैलेंज देख रहा है। क्योंकि अभी जो इसका खाना चल रहा है पूरा लिक्विड में चल रहा है, तो अभी ना जैसे वो यूट्यूब में फूड चैलेंज करते हैं ना लोग, तो वही वीडियो देखने में। तो अब इसके लिए भी खाना बनाती हूँ और अपने लिए भी बनाती हूँ, और क्या बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो तब तक मैं तैयारी करती हूँ और आप लोग देखो कि मैं मंदिर गई थी और मैं क्या क्या लेके आई थी। तो फिर आगे क्या दिखाते हैं कि क्या क्या बना रही हूँ उसके बाद। तो भाई, मंदिर का सामान ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए मंदिर के पास। यहाँ पे मंदिर भी है साइड में। अब पहले मंदिर का सामान लेते हैं। ये हो गए हमारे फूल और माला, और ये हो गए हमारे। तो जी, फाइनली पहुंच गए हम मंदिर के पास। ये से पूजा करके आ गए हैं, पापा आगे जा रहे हैं, कुन्नू और मैं। तो भाई, अब ले लेते हैं यहाँ से सामान थोड़ा। तो वही कपड़े अपड़े चेंज करके पूजा कर ली थी मैंने, फिर उसके बाद खाना बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो खाना मैंने बना लिया है, बस अब मैं खाती हूँ। जो पहले व्रत से पहले भगवान जी के लिए जो अलग से खाना रखते हैं ना, वो रख दिया है। और आज मैंने खाने में क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। तो भाई, खाने में बनाए हैं चने की सब्जी, ये दही जो मैं खाती हूँ मेरी फेवरेट है, और आलू, सूखे आलू, और ये है पूरी और दो रखी है मिर्च। तो भाई, ये सब बनाया था मैंने क्योंकि यार एक फास्ट होता है ना, फास्ट में बहुत सारा मन करता है तुम्हारा कि ये भी खाना है वो भी खाना है। एक मीठा नहीं बनाया मैंने क्योंकि मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे दिन में, तो इसलिए मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। बस अब खाना बना लिया, खाना खाती हूँ क्योंकि घर वालों को सबको दे दिया है। तो अब खाना खाना स्टार्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी और ऊपर से पूरी थाली रखी है तो सामने ना मन कर रहा है बहुत खाने का। तो स्टार्ट करती हूँ, खाती हूँ, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो भाई, खाना एकदम खा लिया, पेट एकदम फुल हो चुका है, इतना ज़्यादा खा लिया ना क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी थी दिन से। तो बस अब जाके यार मज़ा आया, रिलैक्स सा फील हो रहा है। तो भाई, जो हम गांव में लिया करते थे ना फास्ट, मैं तो दिन में लेती थी, शाम तक तोड़ देती थी कुछ ना कुछ वो खा के। मतलब जैसे हम जाते थे ना मेले में जाते थे तो जलेबी वलेबी खा के, क्योंकि बचपन में तो इतना पता नहीं रहता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वहाँ मेले में जाके जलेबी वलेबी कुछ भी खा के व्रत टूट जाता था, पर शाम तक तब भी हम वैसे ही रखते थे। और इस फास्ट में एक चीज़ और होती है, जैसे तुमने एक बार खाना खा लिया तो दूसरी बार नहीं खा सकते। अब जैसे हमने खाना खा लिया है तो 12 जब तक बजेंगे नहीं तब तक आप सेकंड टाइम नहीं खा सकते, उसके बाद आपका ये जो पूरा फास्ट है ख़त्म होता है। तो बस यही है, खाना वाना खा लिया है, अब एक चीज़ बची है जो अभी तक मैंने नहीं खाई है, और ये फास्ट में वही चीज़ सब बहुत खाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं खाऊंगी, बट मैंने दिन में पूछा था पापा से, वो मना कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट में खा लेते हैं। तो वही ले ली है शॉप से लड्डू फास्ट के लिए।